एक मंत्री है आपके पार्टी का, नहीं वो समर्थन वाला में है। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का रहता तो ऐसी बात नहीं। अच्छा तो सुनिए, आपके पार्टी में है ना एक टिकट मिला है ना, पांच मांग रहा था फरादवा, तो एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाषा, जब वो जैसे भाषा बोला है और आप भी वैसे भाषा बोलेंगे तो दोनों में फर्क क्या? अरे फर्क की क्या बात है, हमारा तो अधिकार है, उसका गंदा होता है, नहीं उसका से कमल निकलता है, उसका अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। आप ये बताइए कि मुक्तदान माफिया था कि क्रांतिकारी था, बताइए। चलिए आप ये बताइए हमको क्या कि मुक्तार डान था, माफिया था, गुंडा था, कि क्रांतिकारी नेता था, कि गरीबों का मसीहा था? ये जानना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जनता सुने कि ये गांधी जी एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। देखिए ऐसा है, रुका है। कोई लूट के सुने, कोई लूट के अगर किसी को खिलाता है, जो पाप करता है तो उसका पाप का भागीदार उसको भी बनाता है, और जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं वाल्मीकि का जो अगर जीवनी पढ़ लेंगे तो ये माफिया और मसीहा दोनों का जो है शब्दों का आकलन उसके समझ में आ जाएगा। हम हिंदू हैं तो राम राजेंद्र समुदाय से आते हैं। मेरा ये सवाल है कि ये आप बताइए वो क्रांतिकारी नेता था कि मसीहा था? मसीहा नहीं है, मसीहा नहीं है, मैं मसीहा नहीं मानता। मसीहा तो वो उसको कहा जाता कि जो ईमानदारी से अपने बच्चे के पेट की रोटी काट के दूसरे को दे, तो ये और अपने अपने बच्चों का जो दूसरे को पहला वो मसीहा होता है, ये तो लुटेरा था कि दूसरे को अपने पाप का भागीदार बनाता था। कुछ फायदा होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तब प्रकाश भर भर आप क्या सोचती हैं मुख्तार को लेकर के? ए बाबू, सोचने या समझने की क्या बात है, ये भारत स्वतंत्र देश है, सबका अधिकार है बोलने का। जैसे गांधी जी ने कहा कि आप में उनमें क्या तुलना होगी, आपको मैं सम्मान दे रही हूँ, आप हमको लथेरते जा रहे हैं, कहाँ तक भागूंगी। जो आदमी अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा चुका है पहले से डान गुंडा माफिया में, और इस बिरादरी से बहुजन में 12 लाख रुपया लूट लिया गया, मैं था उसके लखनऊ भी गई थी, हाँ मैं रिवॉल्वर भी लगाई थी, राइफल भी लगाई थी और बंदूक भी लगाई थी, कि कम से कम सम्मान करेगा कि प्रधानमंत्री से लड़ी है, हमारा पैसा दे दिया जाएगा। तो उसने 3 घंटे बैठे रही उसे लखनऊ जेल में, तो वो उधर से खबर आया एक जो मोती मंडल है जो सुगलदेव सम्मान पार्टी में उसी से भेजी थी कि ले रे कह देंगे तो हमारा मिल जाएगा, तो वो गया तो कहा कि हम अपना परिचय बताया तो कहा कि हम हिजड़ों से औरतों से नहीं मिलते हैं। तो एक काला था सा था महुए का था, वो 200-300 ले तो लोगन के मिलवावे, तो हम कहने कि अरे मुसाहारा 200-300 ले तारे कह दिए जन तो डनावा जेल में बना, वो हिजड़वा दोनों पदवा लड़ के 3 गो शस्त्र ले के बैठल बा, हम जा तानी आ यही जीएस त्रिदेव वाले और चक्रवात वाले रहे मिलाने के लिए कह रहे थे। हम कहना जो शख्स इस तरह की लैंग्वेज बोल दिया हम नहीं मिलते हैं, बात समझ रहे हैं? तो सच्चाई छिपती नहीं है, बात समझ रहे हैं? जो आपका रिकॉर्ड है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अब वो भी मेरा 12 लाख रुपया मजार से उठाया गया है, मलताई बाबा के से वहाँ मुरीद है, चादर चढ़ाया गया, सिरनी चढ़ाया गया, सफा चढ़ाया गया, सफ़े पे फातिया हुआ, भाई डाटा रखा गया, पैसा रखा गया। ये जो भाजपा का है पूर्व विधायक विजय राजभर, ये अपने गुंडई के बल पर सारा लखनसी में कर रहा है, ये फर्जी है, ये फर्जी है, बात समझ रहे हैं? इस तरह का इस धरती पे है, कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे?
जय हिंद जय। क्या बात है, एक नंबर का, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।